अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गौहर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स पर अ सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे पर अ सेमी सर्कुलर आर्क। लेट सपोज हमारे पास ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, आर्क की विड्थ लेट सपोज हमारे पास 1 फीट है, और थिकनेस भी हमारे पास 1 फीट है, और जो रेडियस है हमारे पास वो 7 फीट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसी सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो हमारे पास 2πr का होता है। यानी अगर हम इसकी सर्कल की बात करें, इसकी लेंथ हमारे पास टोटल लेंथ क्या होगा, 2πr होगा। तो ये जो आर्क है ये हमारे पास सेमी सर्कुलर है, मतलब इसका हाफ है। तो अगर हम इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास आ जाएगा 5 क्रॉस r। ओके, अब अगर हमने लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क फाइंड करना है तो इसके लिए हमें r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो r की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ द आर्क हमारे पास आ जाएगा क्या, 7 फीट ये रेडियस। ठीक है, हमें ये पता है कि ये 7 फीट है। ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, ये टोटल 1 फीट है। ठीक है, अगर हम इसकी हाफ ले लें 0.5 फीट, इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस है, ठीक है, फॉर दिस सेमी सर्कुलर आर्क हो आ जाएगा 7.5 फीट। ओके, अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, तो लेंथ क्या होगा हमारे पास, पाई की वैल्यू हमने फुट करना है 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास 7.5 फीट आ गई। ओके, तो लेंथ आ जाएगा 23.55 फीट। ओके, अब हमने क्या करना है, अगर इस सेमी सर्कुलर आर्क की वॉल्यूम फाइंड करनी है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस आर्क क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 23.55 फीट। ओके, वेट हमारे पास 1 फीट है, और थिकनेस भी हमारे पास 1 फीट है। ओके, वेट भी हमारे पास 1 फीट और थिकनेस भी हमारे पास 1 फीट। ओके, तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस आर्क आ जाएगी 23.55 क्यूबिक फीट आ जाएगी। अब अगर हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं तो हमें यह पता है कि 1 क्यूबिक फीट में हमारे पास 13.5 ब्रिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ब्रिक्स कितने आ गई, 23.55 क्यूबिक फीट को मल्टीप्लाई करेंगे इसी 13.5 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्यूबिक फीट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी 318 ब्रिक्स। ओके, अब अगर हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 318 को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ 1 ब्रिक से। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो आ जाएगी 3180 रुपीज। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।